जितने भी हैं सरकार और जो माजदा सबको सलाम। बहरहाल खुशी की बात है कि हम एक कम्पटिशन के मरहले की तरफ जा रहे हैं और जिस अंदाज से बच्चियों ने परफॉर्म किया है ये सब इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। शहीद बेनज़ीराबाद जीतता तो डबल खुशी होती है क्योंकि जैसे होम ग्राउंड है तो मेरा होम ग्राउंड है तो मैं बहरहाल बीइंग अ सेक्रेटरी आई एम इम्पार्शियल जिस मैं तो समझता हूँ कि शहीद बेनज़ीराबाद ने जीता ही क्योंकि कराची में जितनी सहूलतें हैं और जितनी शहीद बेनज़ीराबाद में हैं दिन रात का फ़र्क है लेकिन इस हद तक वो फाइनल में पहुँच के कांटेदार मुकाबला किया है तो मैं उनको मुबारकबाद के लिए देता हूँ। कराची वालों को स्पेशली मुबारकबाद के उन्होंने जीता है क्योंकि ये तो हैं सारे सूबे के और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव आपस में खेलते हुए ही खेलन जाएगा कोई बाहर का जंग का हमारे साथ नहीं खेलेगा। सब टीमें जब कौमी टीम बनेगी तो यही शहीद बेनज़ीराबाद से भी होंगी कराची से भी होंगी कश्मीर से भी होंगी कोई नहीं कहेगा मैं कहाँ की वो कहें सब कहेंगे हम पाकिस्तान की टीम हैं। अगर सूबाई टीम बनेगी तो यही होगा वहीं से लोग आएंगे बाकी रीजनल या डिपार्टमेंटल टीमें होती हैं क्योंकि अदरवाइज कॉम्पिटिशन का एलिमेंट नहीं आएगा। ये जिस अंदाज से हमारी पूरी टीम ने परफॉर्म किया है 12 लोग हैं हमारे 6 आडी साहबान हैं 7वां हमारा डायरेक्टर जनरल है राज शाह है जावेद शेख साहब है उसके बाद सरवर शाह है ये 12 लोग जो हैं कोर टीम है उसके साथ साथ जितने भी प्रिंसिपल साहबान या मैडम्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो भी हमारे उसी टीम का पार्ट एंड पार्सल है क्योंकि जाहिर बात है हम तो सेंट्रल कमेटी के लोग थे लेकिन क्योंकि जो रीजनल सतह पे हुए होंगे उसमें डीपीज और प्रिंसिपल जिन लोगों ने कोऑपरेट किया है मकसद इस इवेंट को कामयाब बनाया है वो सारे मुबारकबाद के लिए खेलों की इम्पोर्टेंस तो हम बहुत दफ़ा बोल चुके हैं लेकिन बहुत इतना बोला है हम समझते हमने कम बोला है। जिस अंदाज से बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया है मेरा ख्याल है हमारा तो एक सलाम तो काफ़ी नहीं है 100 सलाम के अधिकार से पेश किया है और पहुँचा है तो हमारे लिए ये बड़ी कामयाबी है। हार जीत कहते हैं खेल का ऐसा है मैं कहता हूँ खेल में तो हार होती ही नहीं है जीत ही जीत होती है बाकी इसी में ये जाहिर है नंबरिंग अलाट होती है हम घर में रहते हैं किसी का नंबर वन हाउस होता है किसी का टू तो ये नंबरिंग है नंबरिंग हमें बताती है कि हमें ये माइलस्टोन था वो 10 मिनट में पहुंच गया है हम 11 मिनट में पहुंचे हमें सिर्फ ये तेज़ी दिखानी है कि वो 10 मिनट वाला जो था उस 10 मिनट में वो अंदाज करना है बाकी तो माइलस्टोन आप लोगों ने भी अचीव कर लिया जिन लोगों ने 60 किया या 70 किया ये भी माइलस्टोन है जिन्होंने किया वो पहले आ गए ये थोड़ा फ़र्क है कहते हैं एक अंग्रेजी में एक इडियम है जिसे कहते हैं क्लोज से इसका मतलब है वेरी नैरो स्केप बिल्कुल आप लोगों ने जो फाइट किया है वो नैरो स्केप है तो ये फाइट भी नहीं है ये कंटेस्ट है फाइट हमारे यहाँ निगेटिव आ जाता है मैं कहता हूँ ये कंटेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो हम लोग जिस अंदाज से आप लोगों ने कंटेस्ट किया है वो सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोगों को थैंक यू सो मच ज़्यादा टाइम नहीं और हमारे माफ़ कीजिएगा रहीमो साहब भी हमारे साथ खड़े हैं ये भी हमारी टीम